मास्टर ब्रूस। जानता हूँ ऐसे में सुकून पाना मुश्किल है, लेकिन अब जब जोकर सराखों के पीछे है तो शायद आप क्रिसमस ईव बना सकते हैं। बेन का खतरा अभी डला नहीं है, मुझे उस पर लगाए हुए ट्रैकर की लोकेशन ढूंढनी होगी। आपको भी खाने की जरूरत है सर। अगर तुम पुलिस को ना बुलाते तो अभी वो हवालात में होता। आप जानते हैं कि मैंने भी आपके माँ बाप से एक वादा किया था, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सुनने से तो ये बेन या फिर उसके आदमियों का काम लगता है। अगर मैं GCPD जल्द पहुंच जाऊं तो शायद मेरे हाथ ऑटोप्सी रिपोर्ट लग जाए। खैर, इससे पहले आप जाएं, मैंने आपके स्टील मिल में मिले हुए मिश्रण पर कुछ परीक्षण किए थे। देखने से तो आपके ग्लोबुलर प्रोजेक्टाइल के गैर हथियारों से मेल खाता है। तुम्हारा मतलब वो ग्लू ग्रेनेड? जी हाँ, रेजिन करीबन तैयार है, मैंने उसे आपके वर्क बेंच पर रखा है। मास्टर ब्रूस, रुक जाइए मास्टर ब्रूस। तुम करके मैं आपको किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये असैसिन साहब के बस की बात नहीं। मैं क्या आप कोई जंगली दरिंदे नहीं हैं? आप बस एक अमीर नौजवान हैं जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और आपका दिमाग खराब हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि ये आपका अंत हो। अल्फ्रेड, जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? वो लड़का जिसके तुम हर सुबह जूते बांधते थे, या फिर वो जिसको तुमने उसकी पहली डेट पर लिफ्ट दी? जब तुम सारा वक्त यहाँ बिताते हो तब मैं बाहर अकेला मंडराता हूँ, मासूमों और दरिंदों के बीच की एक लौती दीवार हो सकता है। नहीं, पर वर्क कुछ नहीं, मैं ही हूँ। जब कोई मुजरिम जुर्म करने से पहले दो बार सोचता है तो उसके अंदर का डर हूँ मैं। मैं वही हूँ जिसे मारने के लिए उन्होंने असैसिन हायर करे हैं, क्योंकि मैं ही वो कारण हूँ जिसकी वजह से सूरज उगने पर मुजरिम चैन की सांस लेते हैं। तो नहीं अल्फ्रेड, मेरा दिमाग खराब नहीं है। आज की रात मेरा खेल नहीं बल्कि उनका खेल खत्म। मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अंदर जाने के लिए कोई महफूज रास्ता ढूंढना होगा। देखिए, आपके जाने से पहले मैंने आपसे जो कुछ कहा मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ।